Hello friends, welcome to Visual Study with Joy. I hope all of you are fit and fine. Just tell me friends whether my voice is absolutely audible and I'm visible. So today is 16th of the July and आज के द हिंदू एडिटोरियल एंड वोकैबुलरी वॉच में मैं विडी आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो जल्दी से एक बार फ्रेंड जुड़ जाइए और आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे से प्यारे से कोट के साथ। कोट आप लोगों के सामने है, द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग। नाउ यहाँ पर जो वर्क आया हुआ है, पहले तो इसमें ग्रामर बता देता हूँ। ये वर्क यहाँ पर जो आया है वो एक वर्ब की तरह पे इस्तेमाल हो रहा है ना। वर्क वैसे अनकाउंटेबल नाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो ये वर्ब है वो आप लोगों का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, एक वर्ब की तरह पे। द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर यू विल फील व्हेन यू अचीव इट। और जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जब आप लोगों को वो अचीवमेंट मिल जाएगा, माई लवली फ्रेंड्स, जब वो अचीवमेंट मिल जाएगा उस टाइम पर आप देखेंगे कि उतनी ही ज़्यादा खुशी आप लोगों को उस चीज़ के लिए होगी। तो अगर आप लोग अभी, अगर मैं बात करूँ, अभी आप लोग अगर मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोगों को पेन हो रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं यार 10-10 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, 12-12 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जब आप लोगों को सिलेक्शन मिलेगा ना, उतनी ही खुशी आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट। तो दीज आर माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आप इनको जुड़ सकते हैं, राइट। विजुअल स्टडी विद जॉय, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए, राइट, ताकि आप लोगों को हर एक नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का सेशन वही आपको पता ही है, कोट ऑफ द डे, देन कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। आफ्टर दैट वी विल हैव द बर्ड आई व्यू ऑफ द आर्टिकल्स, उसके बाद हमारा वोकैबुलरी डेवलपमेंट का काम चलेगा और फिर डिटेल डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड लाइनर और ग्रामर पॉइंट्स, राइट। इसमें हम लोग जो हैं, ओके, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों से सबसे यार एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इतना काम कर दीजिए, एंड वो क्या है, जस्ट शेयर द सेशन एज मच एज यू कैन, राइट। तो टुडे 16th of July, प्लीज़ डू शेयर द सेशन। सो एक तो आप लोग देखना, इसका पत्ता कटने वाला हो रहा है, राइट। मैं कई महीनों से ये बात बोल रहा हूँ कि येस, दिस इज नॉट द गुड थिंग। नाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना हिमसेल्फ एजर्ट that, right, asserted that the use of sedition is just like a saw, na, to give to the carpenter to cut a piece of wood, and he uses it to cut the entire forest itself. कि यार एक कारपेंटर को अगर आपने कोई saw दी है, कोई आरी दी है, तो उसको एक लकड़ी काटने के लिए उसको use करते हैं, लेकिन उसने पूरा जंगल ही काट दिया। तो आप अगर इसकी history को आप देखोगे तो ये जो हमारा colonial law है sedition का, सेक्शन 124A, इट वॉज यूज्ड अगेंस्ट महात्मा गांधी, इट वॉज यूज्ड अगेंस्ट बाल गंगाधर तिलक, अगेंस्ट भगत सिंह, राइट। एंड द लॉ दैट यू कैन से यूज टू बी यूज्ड, राइट, 75 ईयर्स अगो, और यू कैन से आफ्टर 75 ईयर्स यू कैन से ऑफ इंडिपेंडेंस, वॉट इज द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ। नाउ दिस सुप्रीम कोर्ट इट सेल्फ हैज taken cognizance and we remember, you can say asserted that if you look at the history of the use of this section 124A of IPC, you will find that the conviction rate is very low, there is misuse of power of executive agencies, jo hamari executive agency hai, police hai, bureaucracy hai, uska misuse of power hai, kisi bhi insaan ko conviction bahut kam hui hai, aap ek bar isko utha ke dekh lijiye, theek hai na। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जब कुछ ऐसा काम है और ये फिर इसी में ही क्यों हो रहा है, ये इसको सेडिशन चार्जेस को जो है इसको ऑब्वियसली अब एलिमिनेट जरूर कर देंगे, दे विल एब्रोगेट इट, गॉट इट ना। तो एक न्यू फ्रंट पेज की न्यूज़ है ये, आप लोग जरूर इसको देख लीजिए एक बार। महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस नंबर सीज एन अपटिक, अब इसीलिए आप लोगों को बार बार बोलते हैं प्लीज़ डू स्टे एट होम, अपने घर पर रहिए, अभी भी कहीं मत जाइए। पूरा का पूरा साल आप लोगों को ये लग रहा होगा कि यार फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कई बार, आपको लगता है कि यार नो वी वांट सम आउटर स्पेस, राइट, बट यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ दिस थिंग दैट इफ यू आर अलाइव एवरीथिंग इज ओके, सपोज इफ लाइफ इज नॉट देयर देन व्हाट इज द यूज। कल आपको बता रहा था ना मैं, 728 डॉक्टर्स दे लॉस्ट देयर लाइव्स, तो वो तो डॉक्टर्स थे, उनके साथ उनकी फैमिली के कितने मेंबर्स थे, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई होगी, समझ में आया ना। तो इस सेंस में आप लोगों को थोड़ा सा आप लोग इसमें देखेंगे, राइट, गॉट इट। गुड मॉर्निंग बडीज। सो यू कैन ऑल्सो हैव द, यू कैन से क्विक रीडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज़ टू, राइट।
चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों के सामने एक बर्ड आई व्यू आर्टिकल्स का रख देता हूँ, ठीक है। और वो आर्टिकल्स का बर्ड आई व्यू आप लोगों को पूरे के पूरे आर्टिकल में आज हमने पढ़ना क्या क्या है वो मैं आप लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक दिस इज विजिबल टू यू। तो ये वो न्यूज़ था, यहाँ पे आप लोगों को ये न्यूज़ देख लेना चाहिए था, ठीक है। ओके, ये वाला जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो भी आप लोगों में से सिविल्स वाला बच्चा है, IAS IPS वाला बच्चा है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंडिंग द एम्पास। एम्पास क्या है कोई बताएगा? एम्पास होता है आप लोगों का एक डेड लॉक, ठीक है। कई बार ये वर्ड मैंने बताया हुआ है, राइट। अगर मैं बात करूँ तो ये है इंडिया और चाइना के ऊपर, दैट द डिस्ट्रस्ट ऑफ द पास्ट। जब तक आप बॉर्डर इशू को नहीं सॉल्व करोगे, जब तक पास्ट का डिस्ट्रस्ट कैसे उसको वो इकट्ठा नहीं हो, सॉल्व ही नहीं हो सकता। अब हुआ क्या, पहले हम लोगों ने जो कैलाश रेंज जो है उसको कैप्चर कर रखा था, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, तो ये लोग, ये पिछली बात बता रहा हूँ आप लोगों को, तो ये पिछले बार ये लोगों ने अच्छे से इन्होंने बातचीत भी की जब ये मॉस्को में मिले थे, है ना। अब वेंसडे को फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब और चाइनीज़ के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, यांग ही उनका नाम है, अब दुशांबी में फिर मिले हैं। दुशांबी कहाँ है पता ही होगा आप लोगों को, कहाँ है दुशांबी जरा बताना? ये ताजिकिस्तान की कैपिटल है। तो दुशांबी में मिले हैं, और अब जो जिस तरह से लास्ट मीटिंग उनके मॉस्को में हुआ था सितंबर 2020 में, मैंने बताया था आप लोगों को, जो लास्ट मीटिंग में जिस तरह का उनका बिहेवियर था वो इस बार देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सितंबर 2020 में इंडिया ने कैप्चर कर रखा था कैलाश रेंज। वो एक ऐसा हाइट था जहाँ से हम चाइना को कंट्रोल कर सकते थे, उसकी आर्मी को, अगर वॉर होता है तो। तो उन्होंने क्या किया, इतना खतरनाक, इससे घटिया इंसान मैं कहता हूँ कंट्री नहीं हो सकता। अब उन्होंने क्या किया, जब हमने कैलाश पर्वत जो है इसको, इसकी चोटी को पकड़ रखा था, तो वो अच्छे अच्छे बात कर रहे थे, बोले ठीक है चलो तुम भी हट जाओ हम भी हट जाएंगे। अब हुआ क्या, वो लोग क्या किया, गलवान वैली से तो चले गए, गलवान वैली से चले गए, हमने क्या किया, हम उतर गए। अब हम तो वही है ना, शरीफ लोग जिसे कहते हैं, ऑब्वियसली बात है, यही बोलूँगा मैं और क्या बोलूँगा, है ना, इनके झांसे में आ गए। तो हम क्या किया, हम लोग जो है वो गलवान वैली से हम लोग कैलाश पर्वत रेंज से चले गए। अब हुआ क्या, जब फिर हमने इसको बोला, देखो भाई तुम लोग गलवान वैली से चले गए, बहुत बढ़िया बात है, हम लोग ने कैलाश पर्वत की जो चोटी है उसको छोड़ दिया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अब जो देवसांग है, धेमचौक है, घोघरा है और हॉट स्प्रिंग है, इनमें भी जो आप लोग आर्मी लगा रखी ना, चाहो वो भी ले जाओ। चाइना बोला कांजा पांजा कांजा का, ठीक है नहीं ले जाता, मतलब उसने ये बोला राइट। अब प्रॉब्लम आ गया, मतलब कैन यू इमेजिन द पर्सन, यू नो किस तरह से, मतलब देखो हमारे को जो है वो इस सेंस में जो है ये ले रहे हैं। तो इस क्या ये एम्पास कभी एंड होगा कि नहीं होगा, ये आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। ओके, ये वाला जो आर्टिकल है, अच्छे से आर्टिकल को उसको डिस्कस करेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है, अ स्ट्रॉन्ग इंडियन स्टेट मस्ट बी ह्यूमेन टू, वो ऑब्वियसली बात है उनके फादर स्टैनले स्वामी के साथ जो हुआ था अभी 5 जुलाई को, ठीक है, दैट ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड, राइट, दैट इज़ अ शॉकिंग न्यूज़। और उसमें उन्होंने फिर बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, NIA ने किया, उसने किया, उसने किया, कई बार हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने का, ठीक है, कोई भी ज़रूरत नहीं है पढ़ने का, राइट, ठीक है। तो इस आर्टिकल को आप स्किप कर सकते हो, गॉट इट ना। बस वो ये थोड़ा सा ये बात है कि अगर कुछ स्पेशल लॉज हैं, राइट, अगर कोई चैलेंजेस आते हैं, तो अगर आप लोगों को पास एविडेंस नहीं है, तो एविडेंस नहीं है तो उस इंसान को बेल मिलना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, ये विवेक कारजू साहब हैं ये बोल रहे हैं और मैं भी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। नो नॉट एट ऑल, वी कांट, यू कैन से एवर। मैं तो ये अब मैं देखो एक बहुत ही मतलब ब्लंट और बिटर बात मैं आप लोगों के सामने बोलूँगा, आप सारे कल को आप लोग ऑफिसर लगोगे बनोगे। जो चला गया ना 18 किलोमीटर, अगर वो चला गया तो कोई बात नहीं, अब जो बचा हुआ है ना उसको संभाल लो, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। आप भूल जाइए वो कभी स्टेटस को एंटे में जाएगा। अप्रैल 2020 का जो हमारा एरिया था, आप लोग भूल जाइए, आप लोग भी यहीं पे, मैं भी यहीं पे हूँ, वो वापस नहीं जाएगा। अब जो बचा हुआ है ना उसको बचा लो, नहीं तो कल को ये भी चला जाएगा। समझ में आया समझ में आया कि नहीं, ये बात है ध्यान से सुनना। तो इसीलिए जाइए वहाँ पे, ठीक है, सेव द कंट्री, दिस इज द ओनली थिंग दैट आई कैन गिव, राइट, ये बात है। ओके, गॉट इट ना। वेल, ग्रोइंग प्रिकैरिटी
जो है क्या प्रिकेरिटी है ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, राइट। अब अनसर्टेनिटी इतनी बढ़ रही है, जो आप लोगों का CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है बेस्ड इन्फ्लेशन है, दैट इज 6% अपर बाउंड इन द सेकेंड स्ट्रेट मंथ। दूसरे मंथ में भी जो है वो अब आप लोगों का ये बढ़ चुका है अगर आप देखेंगे इसको, राइट। तो 6.3% मई में था और 6.26% जो है वो जून में आया हुआ है। अब जून में भी मतलब 6% से अबव है, और ये RBI की गाइडलाइन है कि ±4, है ना, कि भाई 6 से ज़्यादा नहीं जाना, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न हो जाता है RBI के लिए भी। लेकिन अब करें क्या, क्योंकि फूल प्राइस इतना बढ़ गया, जो आपकी पल्सेस हैं, फूड आइटम है, राइट, ऑयल्स हैं, फैट हैं, एग है, इनका दाम इतना, खाते हो अंडे खाते हो क्या, उनका दाम इतना बढ़ गया, तो आप लोग खुद देख सकते हो कि ये जो प्रिकैरिटी है कब जाके ये एंड होगी। अब एक बात और बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा, प्लीज़ लिसन टू मी। क्या हुआ, अब आपको याद हो अगर जनवरी में अगर हम कोई आर्टिकल कर रहे थे तो उसमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, आपको याद होगा एक आर्टिकल भी आया था वो कि इस बार का जो मानसून, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये फोरकास्ट किया है कि इस बार मानसून जो है वो 102% है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। कि तो उस सेंस में हम लोग भी खुश हो रहे थे, राइट। बट यू विल बी सरप्राइज माई लवली फ्रेंड्स दैट सिंस June 1st, राइट, द क्यूमुलेटिव रेनफॉल इज बिलो एवरेज एंड 12 वेदर सब डिविजन स्पैनिंग 37% ऑफ द कंट्रीज एरिया। 37% ऑफ कंट्री का एरिया में जितने भी जो वेदर की सब डिविजन्स लगी हुई हैं, जो भी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सब डिविजन्स हैं, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है कि July 15 तक जितना रेनफॉल होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, गर्मी से तर बतर हो रहे हैं लोग, समझ में आया ये बात बोल रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, हमने एक्सपेक्ट क्या किया था कि हमें तो मोर देन एवरेज और मोर देन नॉर्मल जो है, हम मतलब 102% का रेनफॉल जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे अब 2 महीने पहले, और जब आपने देखा 15 जुलाई तो मेरे ख्याल कल ही तो थी, कल की बड़ी बड़ी रिसेंट बता रहा डेटा ये तो, आज तो 16 जुलाई तो है, तो 15 जुलाई तक बेटा 5% बिलो एवरेज जो है वो रहा है, मतलब जितना एवरेज होना चाहिए था उसके भी 5% जो है वो कम रेनफॉल रहा है। अगर यही सिचुएशन रही तो जो हार्डशिप्स हैं रूरल हिंटरलैंड का वो बहुत रियल हैं, तो गवर्नमेंट को जो है वो फ्यूल टैक्सेस जो हैं, थोड़ा सा पेट्रोल के डीजल के भाव कम कर दे भाई, ठीक है, 200 रुपये का तेल डलवाते हैं, कुछ भी नहीं डलता, समझ में ना, बाइक में गाड़ी चलानी तो बंद ही कर दिया लोगों ने, है ना, तो टू कट फ्यूल टैक्सेस टू इज बर्डन ऑन कंज्यूमर्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप इसको जरूर पढ़िएगा, खासकर जो बैंक पीओ वाला एस्पिरेंट्स है, ए बैंक पीओ एस्पिरेंट मस्ट रीड दिस आर्टिकल, राइट, पर्टेनिंग टू इन्फ्लेशन एंड यू कैन से प्राइस इन्फ्लेशन और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, राइट, ओके। ये आर्टिकल बड़े दिनों बाद आए हैं ये साहब, मैं वेट करता रहता हूँ इनका, अच्छे हैं, पता नहीं ऐसे ऐसे सितारे हमारे देश में और क्यों नहीं होते। इंटरफेरेंस इन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, अगर आप लोगों का वर्दी पुलिस वाला हिसाब किताब अगर थोड़ा सा आप रखते हो कि हाँ यार पुलिस में जाना है, IPS बनना है या आप लोगों को कोई स्टेट पुलिस में अगर आपको कोई इंटरेस्ट है, तो आप लोगों के लिए एक मैग्ना कार्टा आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा, इंपॉर्टेंट यू कैन से मैं बोलूँगा इस आर्टिकल को। आर के राघवन सर हैं, ये एक्स डायरेक्टर हैं CBI के, काफ़ी अच्छा लिखते हैं आप लोगों को पता ही है, लेकिन उन्होंने हेडिंग डाल रखी थी, मैं इस हेडिंग से इतना परेशान हो गया। अब देखो जरा क्या लिखा हुआ है, ये कुछ ना कुछ ऐसा जरूर डालेंगे, मेरे 15 मिनट खराब होते ही होते हैं। इंटरफेरेंस एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन डू विदाउट, आप मुझे बताओ क्या आपको समझ में आ रहा है, ईमानदारी से बताओ क्या ये समझ में आ रहा है, इंटरफेरेंस एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन डू विदाउट, क्या मतलब हुआ? कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ये सेंटेंस कुछ अधूरा सा है? अब ऑब्वियसली बात है मुझे नहीं पता था इसका, देन आई रिसर्च्ड एंड आई गॉट टू नो दैट हेयर विदाउट इज यूज्ड एज एन एडवर्ब। विदाउट जो होता है वो एक प्रेपो तो होता है, हम लोगों को प्रेपो पता था, अभी प्रेपोजिशन की तरह यूज होता है, जैसे हे यू लुक ब्यूटिफुल विदाउट मेकअप, भाई मेकअप के बगैर बड़ी खूबसूरत लगते हो, तो विदाउट तो प्रेपो होता है, बट विदाउट कैन बी यूज्ड एज एन एडवर्ब। टुडे आई गेट टू नो, इन ग्रामर पॉइंट में मैं ले लूंगा इसको, ठीक है ना, ओके ना। तो इंटरफेरेंस एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन डू, मतलब बिना उसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपना काम कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा उनको परेशानी मत दो, ठीक है। आजकल लोअर कोर्ट क्या करते हैं, जो IO होता है, IO आपके पापा जरूर बता देंगे इन चीज़ों को, वो प्रैक्टिकली जानते होंगे चीज़ों को,
जो आईओ होता है, आईओ बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लोअर कोर्ट बोलते हैं, तूने इसको गिरफ्तार क्यों किया भाई, एक्स को, तूने वाई को क्यों नहीं किया, अच्छा तू ये बता तू इसको क्यों लेके आया, अरे यार वो अपना काम कर रहा है, ठीक है ना। जुडिशरी डज नॉट परमिट, जुडिशरी इफ जुडिशरी इंटरफेयर्स इन द इन्वेस्टिगेशन, राइट, इट इज अगेंस्ट लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली मेंशनड दैट दिस इज नॉट द वर्क ऑफ जुडिशरी टू इंटरफेयर इन पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। तो ये एक बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने वो मिनियापोलिस, आपको याद होगा जो जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक था ना निग्रो, वो उसका यू कैन से ही वाज वीडियो टेप्ड, यू कैन से इन मई 2020 में वीडियो टेप करके, या यहाँ पे यू कैन से वन ऑफिसर वाज नीलिंग ऑन हिज नेक लाइक दिस, उसको ऐसे मार दिया था, याद होगा आप लोगों को, पूरा दिखाया वर्ल्ड में कितना फेमस हुआ, फिर वो फेमस तो क्या बोलूँ, इतना वायरल हुआ, सॉरी वायरल हुआ, और फिर अब उसको 2.5 साल की सजा भी मेरे ख्याल दी है। तो उन्होंने ये बताया, फिर उन्होंने तमिलनाडु का एग्जाम्पल लिया है, तो अच्छे से मैं इस आर्टिकल को आपके सामने डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे आर्टिकल हैं। अब आप लोगों को मैं कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स दे देता हूँ, ठीक है, और वोकैबुलरी के वर्ड्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और आप क्या करना आपको पता ही है, अपने कॉपी पेन उठा लीजिए, देन लिखिए 16 जुलाई, और अपने वर्ड्स को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। रेडी, एक बार सारे बच्चे थम्सअप दिखाएंगे, देखो यार थम्सअप तो कम से कम, या लाइक तो कर ही सकते हो यार, हैं। तुषार रस्तोगी साहब, विक्रम सिंह, आरव शर्मा, शिवांश, ऋषि रोका, राइट, कम ऑन यार, डू शेयर द सेशन, डू लाइक द सेशन। आइए जरा हम लोग चलते हैं वापस अपने PPT के ऊपर, जिसमें मैं आप लोगों को अभी कुछ वर्ड मीनिंग, अच्छे वर्ड मीनिंग है आज के, वो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ, ठीक है। चलिए शाबाश, ओके। तो फर्स्ट जो आप लोगों का वर्ड है, दैट इज कॉल्ड बैकड्रॉप। क्या बोलते हैं इसको? बैकड्रॉप। प्लीज ध्यान से सुनिए, बैकड्रॉप क्या होता है? एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, द जनरल सिचुएशन इन विच समथिंग हैपन्स। एक तो ये बैकड्रॉप बोलते हैं, ठीक है ना। एक बोलते हैं द व्यू बिहाइंड समथिंग। जैसे ये बैकड्रॉप देखा, मेरा बैकड्रॉप जो है, कई बार जब मैं ऑफिस में होता हूँ तो वहाँ पे क्रोमा स्क्रीन होता है, अभी यहाँ पे घर पे हूँ तो इधर को मैंने क्रोमा नहीं लगाया हुआ, ठीक है ना। दिस इज माई बैकड्रॉप, बिहाइंड समथिंग का व्यू। सर द यू कैन से इट डज नॉट गिव अ यू कैन से ब्यूटीफुल बैकड्रॉप, राइट, दिस पर्टिकुलर स्क्रीन डज नॉट गिव अ ब्यूटीफुल बैकड्रॉप, है ना। बैकड्रॉप मतलब एक अच्छा व्यू जो है वो दे रहा है, नहीं दे रहा वो तुम्हें पता होगा, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। द जनरल सिचुएशन इन विच समथिंग हैपन्स, या हम बैकड्रॉप को ऐसे भी बोल सकते हैं, जनरल कंडीशन, जनरल सिचुएशन। द माउंटेन्स फॉर्म अ ड्रामेटिक बैकड्रॉप टू द लिटिल विलेज। जैसे यहाँ पर कोई ऐसा छोटा सा एक गाँव होता है, यहाँ पर ऐसे कुछ घर बने होते हैं, आप वो लोग कभी जाओगे ना शिमला वगैरह जाते हो, छोटे छोटे गाँव बने होते हैं, आप देखना ऐसे गाँव हैं, और ये इधर ऐसे माउंटेन होते हैं। ओ हो हो भाई साहब क्या बात है, यहाँ पर खड़े होकर फिर आप हे करके फोटो खिंचवाते हो, जो वही वाला। तो ये अच्छा एक मतलब आपको अपना फोटो कम दिखाना है और आपको पहाड़ ज़्यादा दिखाने हैं, ताकि आप ये बता सको कि हाँ घूमने गए हो, ठीक है ना। इस लेवल पे आके आप अपने आप को कम तवज्जो देते हो, पहाड़ को ज़्यादा देते हो, तो वही वाला बात बोल रहा हूँ। द माउंटेन्स फॉर्म अ ड्रामेटिक बैकड्रॉप टू द लिटिल विलेज, राइट, और उन्हें इस सेंस में आप यूज बात कर सकते हो। देयर लव अफेयर बिगेन इन द बैकड्रॉप ऑफ वॉर, है ना, ऐसे आप यूज कर सकते हो, गॉट इट ना, इस सेंस में आप यूज कर सकते हो। चलिए टिंडर बॉक्स ऐसे यूज कर सकते हो, ओके, बैकड्रॉप हिमालयाज, दैट होटल इज फेमस फॉर इस माउंटेन व्यूइंग, ठीक है ना, ओके, गॉट इट ना। नेक्स्ट देखो जरा, टिंडर बॉक्स क्या होता है? टिंडर बॉक्स इज डेंजरस एंड अनकंट्रोल्ड सिचुएशन, राइट। टिंडर बॉक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डेंजरस एंड अनकंट्रोल्ड सिचुएशन, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन जिसको बोलते हैं, खतरनाक, यू अंडरस्टैंड ना, ऐसे लिखते ना, खतरनाक, डेंजरस, अनकंट्रोल्ड, प्रिकैरियस, राइट, दैट इज कॉल्ड टिंडर बॉक्स। जैसे सेंटेंस देखो, द रेशियल टेंशन इन भजनपुरा, मैंने सेंटेंस बना दिया क्योंकि वहाँ पे वायलेंस ज़्यादा हुआ था ना 2020 में, अभी भी ऐसे रहता है रेशियल टेंशन इधर, ये हमारा इधर देख लो आप जाके, इधर ईस्टर्न वेस्टर्न यूपी का जो एरिया है शामली टाइप में, मुजफ्फरनगर, शामली, ये वाला अगर कोई होगा वहाँ पे तो पता होगा, दो मिनट में वहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो जाता है। द रेशियल टेंशन इन भजनपुरा मेक्स इट अ टिंडर बॉक्स रेडी टू इग्नाइट, समझ में आया, कभी भी दो मिनट में आप कोई वहाँ पे जाके सुलगा दे, दो मिनट में सुलग जाता है ना। मिश्रा जैसे कोई आएगा और वो आके कुछ कुछ बोलेगा और वहाँ पे वायलेंस भड़क जाती है। आई होप यू गॉट द पॉइंट नाउ। तो समथिंग डेंजरस, समथिंग अनकंट्रोल्ड, दैट इज कॉल्ड टिंडर बॉक्स। आई होप यू विल नॉट फॉरगेट दिस
you can say word in your entire life now, right? The racial tension in Bhajanpura makes it a tinder box ready to ignite. Is sense mein aap use kar sakte ho. Next, momentum, beautiful word. Momentum is a noun. Ye physics walon ko to aur yaad hoga, hai na? Kya bolte hai isko aap log Hindi mein? The force that keeps an object moving, right? It's when the box starts, it gains automatic momentum, है ना? ऐसे भी उसको यूज़ कर सकते हो. अर्थ का मोमेंटम है. अब जो तो फिजिक्स वाला होगा उसको थोड़ा ज़्यादा पता होगा. हम इसको लिटरेरी सेंस में यूज़ कर सकते हैं. क्या है? द टीम लॉस्ट इट्स मोमेंटम वेन द मेन बैट्समैन गॉट आउट. समझ में आया ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, आप लोगों का कोई फेवरेट बैट्समैन होता है, ठीक है, और वो बैट्समैन जो होता है क्या होता है वो आपका क्या करेगा, वो क्या करेगा, अगर मैं बात करूँ तो वो आउट हो जाता है. सपोज एक पे आउट हो गया, दो पे आउट हो गया, ठीक है ना? तो आप क्या करते हो, आप बड़े ही आप लोग डिमोरलाइज, डिस्करेज, डिकी हो जाते हो, है ना? कि यार आउट हो गया यार, कोई मतलब है यार ये, है ना? लाइक दिस. ओके, तो द टीम लॉस्ट इट्स मोमेंटम, इस सेंस में आप यूज कर सकते हो. नेक्स्ट, स्टेटस को. एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स इज कॉल्ड स्टेटस को. टू मेंटेन द स्टेटस को, गॉट इट ना? और स्टेटस को एंटे क्या होता है? मतलब जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स होती है उसको स्टेटस को एंटे बोलते हैं. कोई बच्चा भी बोल भी रहा था. दो वर्ड होते हैं, स्टेटस को, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है स्टेटस को, ठीक है ना? उस स्टेटस को कोई संभाल लो. मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप स्टेटस को एंटे के पीछे पड़ोगे ना, वो नहीं मिल पाएगा. आगे से अपनी ITBP को बोलो, अपनी तो क्या हमारी है, ITBP को बोलो, आर्मी को बोलो कि बिल्कुल भी पलक ना झपकाएं. दैट्स इट. पलक झपकी और फिर वो 18 किलोमीटर अंदर आया, बात खत्म. समझ में आया ना बेटा? इसीलिए जो ग्राउंड लेवल के जो अधिकारी होते हैं वहाँ पे, जिनको ग्राउंड में रहना होता है, वो उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. अगर आप उसको किसी आड़ू इंसान को वहाँ पर भेज दोगे, होगा ऐसे ही तो हुआ होगा, होगा कोई बेवकूफ़ इंसान जिसने, सपोज ऐसे होता ना बॉर्डर, जैसे ये बॉर्डर होता है, ये बॉर्डर है बेटा, ऐसे होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया तो मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया शिवांश का, यहाँ से यहाँ तक का एरिया दीपक यादव का, ऐसे होता है वहाँ पर. जो BOP बनी होती है उनको बॉर्डर आउटपोस्ट बोलते हैं, BOP. भाई यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कुछ हो गया तो भाई VD जिम्मेदार है, यहाँ से यहाँ तक हुआ तो शिवांश जिम्मेदार है, ऐसे है. तो कोई ना कोई ऐसा हुआ होगा आड़ू, जिसने अपनी ध्यान नहीं दिया होगा, लगा पड़ा होगा कहीं पर. समझ में आया इस सेंस में. तो वो थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो इस के लिए. अब तो बेटा यही बोलेंगे ना, बफर जोन था या फलाना था या ढिमकाना था, आप वहाँ पे जा नहीं सकते. और वो एरिया है जो ये मैं अभी बता रहा था आपको, देपसांग है, घोघरा है, धैमचौक है, जहाँ पर हमारी जो 3 Idiots है उसकी लास्ट वाला फेज की शूटिंग हो रखी है, और वो एरिया चाइना के पास है. समझ में आया? ओके, चलो. स्टेटस को क्या होता है? द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, इस सेंस में यूज़ करते हैं. प्रिकेरिटी का मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी. क्या बोलेंगे इसको? अनिश्चितता. इसको सेंस में आप यूज़ कर सकते हो. एक्सियम क्या होता है? जिसको सेइंग बोलते हैं, राइट? एक्सियम बोलते हैं इसको, डिक्टम भी बोलते हैं, एडेज भी बोलते हैं, ठीक है ना? और बोलो, और कोई प्रोवर्ब भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है ना? एक्सियम इसको यूज़ करते हो. तो इसको ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं, इसको याद कर लीजिएगा. एक्सियम हो गया, राइट? सेइंग हो गया, डिक्टम हो गया, एडेज हो गया, इस सेंस में आप यूज़ करेंगे. अनअसेलेबल इज एन एडजेक्टिव. अनअसेलेबल का मतलब होता है, क्या होता है? इम्पेनिट्रेबल, इनविंसिबल. जो इम्पेनिट्रेबल है, जो जिसको आप लोग अंदर नहीं, जिसके घुस सकते, अंदर घुसना जो है बहुत मुश्किल हो, या इनविंसिबल है. इनविंसिबल का मतलब क्या होता है? इनविंसिबल का मतलब होता है जिसको हराया ना जा सके. इनविंसिबल, जो हार ना माने, जिसको हराया ना जा सके, ठीक है ना? ओके, दैट कांट बी डिफीटेड दैट इज कॉल्ड व्हाट? अनअसेलेबल. प्लीज इनको वर्ड्स को याद कीजिए. एक महीने के अंदर अंदर आप लोग देखोगे कि आपका काफी अच्छा वोकैब आप लोगों का हो गया है, ठीक है? अनअसेलेबल, इम्पेनिट्रेबल, इनविंसिबल. एक्सियम क्या होता है? सेइंग होता है, डिक्टम होता है, एडेज होता है. प्रिकैरिटी इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी. स्टेटस को इज, यू कैन से, एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, इस सेंस में आप यूज कर सकते हो. गॉट इट ना? नेक्स्ट,
मिनियापोलिस, ये मिनेसोटा दो स्टेट है आपका अमेरिका का, यूएसए का, वहाँ का था वो पुलिस ऑफिसर मिनेसोटा का, उसको मिनियापोलिस बोलते हैं. मिनियापोलिस इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन मिनेसोटा. मिनियापोलिस गॉट इट ना, वहीं के वो पुलिस ऑफिसर थे. ये इंसिडेंट वहाँ का है, मिनेसोटा. ठीक है. बेडरॉक, बेडरॉक का मतलब क्या होता है? बेडरॉक होता है द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, राइट? इस सेंस में यूज कर सकते हो. गॉट इट, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड. तो बेडरॉक क्या होता है? द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जो आधारभूत सिद्धांत होते हैं, दे आर कॉल्ड बेडरॉक, राइट? अजय इन हिंदी, बिल्कुल ठीक है. चिन्ह में इनविंसिबल, अजय, राइट, राइट, इन अजय, सन्नी देओल. ब्राउबीट, ब्राउबीट इज अ ब्यूटिफुल वर्ड, बिल्कुल लास्ट में ऑथर ने यूज़ किया है कि दे द पुलिस ऑफिसर्स, द हायर पुलिस ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, दे यू कैन से फियर टू बी ब्राउबीटन by illiterate, right, or you can say unbusiness like, right, those who are not cultured politicians, powerful people. आपने देखा होगा कहीं पर, देखते हैं ना, बड़े बड़े IAS officer होते हैं, IPS होते हैं, और एक एक दो टके का बदतमीज इंसान उनको फ़ोन करके बोलता है ये काम होना चाहिए, लैब अब ये काम हो रहा, ठीक है ना, बिकॉज दे नो कि उनके हाथ में एक कड़ी है, कहीं इधर उधर उठा के फेंक देगा, ठीक है ना. वो सोचेगा यार इतनी मुश्किल से तो 30 साल का होकर तो मैं IPS बनाऊं, ठीक है, अभी शादी भी करनी है, समझ में आया? इस सेंस में क्लियर है कि नहीं है? तो मैं क्यों इससे झगड़ा लूँ, पंगा मोल लूँ? तो इस सेंस में ये चीज़ें हो जाती हैं. तो ब्रोबीट करना, इंटिमिडेट करना, स्कोल्ड करना. बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो, आपको मैं एक बात बता दूँ, इस देश के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर इतने अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो बिल्कुल ही 1% या 2% की सेंस में होते हैं. उनकी वजह से ही देश का वजूद बचा हुआ है, राइट? आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस थिंग. वो जो पुलिस ऑफिसर हैं जो काम कर रहे हैं, या वो कुछ ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे ही बेकार हैं, ऐसी बात भी नहीं है, राइट? तो वो हैं, उनकी वजह से कुछ बचा हुआ है, राइट? और ये वाला जो आर्टिकल अभी आ रहा है आज का, ये आपको बहुत कुछ बातें पुलिस के बारे में, उनकी पावर के बारे में आपको आज बताने वाला है. आई होप कि आप बने रहेंगे मेरे साथ. कंसीड, एक्सेप्ट करना या एडमिट करना, इस सेंस में यूज कर सकते हैं. जैसे सर आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी इफ़ यू कंसीड माई रिक्वेस्ट, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना. ऐसे कंसीड करना है, राइट? रिक्वेस्ट कंसीड करना, एक्सेप्ट करना, एडमिट करना. आप लोग जैसे, मैं एक बार अपने प्रिंसिपल सर को बुलाने गया, पार्टी होती है ना, पार्टी में वो चीफ गेस्ट बुलाते हैं, भाई प्रिंसिपल साहब को बुला के लाओ भाई. तो मैंने बोला अपने प्रोफेसर साहब से, अपने गुरु से, मैं कह सर क्या बोलूँ उनके सामने जाके, कहते हैं ये बोलना, ऐसे इंग्लिश में वर्ड ऐसे सीखते हैं टीचर से. कहते हैं सर बोले फिर ये बोलना, सर दी होल क्लास विल बी हैप्पी इफ़ यू कंसीड आवर रिक्वेस्ट, ऐसे बोल देना इंग्लिश में, ठीक है ना. तो फिर मैंने एज इट इज लाइन टेप दी जाके, ठीक है. कंसीड, एक्सेप्ट करना या एडमिट करना, याद आ जाता है कोई वर्ड, राइट? इस सेंस में आप यूज़ कर सकते हो. आइए जरा बात करते हैं अभी जो हमारा मेन कोर्स है, दैट इज़ डिटेल डिस्कशन, उसको मैं आपके सामने अभी रखना चाहता हूँ, ठीक है. और एक मिनट बस आप मुझे दीजिएगा. आई थिंक दिस इज विजिबल टू यू गाइज, विजिबल हो रहा है आप लोगों को? ये देखिए, एंडिंग द एम्पास, इसको एम्पास बोलते हैं, एम्पास, ठीक है ना. एम्पास क्या होता है? डेड लॉक. कई बार हम इस वर्ड को यूज कर चुके हैं, डेड लॉक, स्टेलमेट. जब कोई, जहां पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? एंडिंग द एम्पास. इंडिया China cannot put the distress of the past behind without resolving the border issue. आप जब तक border issue को solve नहीं करोगे तो past की बात कैसे सुनेंगे? पहले border issue को solve कर, तब जाके बात बनेगी. India's relations with China have been, देखो relations है, एक plural noun की तरह use हो रखा है, इसलिए यहाँ पर have आया हुआ है. been इसलिए आया है क्योंकि passive voice है, क्योंकि relations deep freeze में हैं. relations अपने आप freeze में नहीं जाएगा, फ्रिज में मतलब ठंडे बस्ते में, जो ठंडा बस्ता बोलते हैं ना, वो डीप फ्रीज बोल रहे हैं, ठंडा बस्ता. सुनो, मैं रिलेशंस हूँ, मैं रिलेशन हूँ, तो मैं डीप फ्रीज में जा रहा हूँ. वो अपने आप चले जाते हैं. जब कोई काम किसी पैसिव वॉइस में बनता है तो उसको बिन लगता है. आई होप ना हो कि आपको अब ये कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा. गॉट इट और नॉट, इंडियाज रिलेशंस विद चाइना हैव बीन इन डीप फ्रीज फॉर ओवर अ ईयर. द क्राइसिस ऑन द LSE रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड. टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, दसियों हज़ार सोल्जर उधर के भी, इधर के 20,000 लोग वहाँ पे बिना बात में लगे हैं, बताओ.
still remain deployed in forward areas. Against this backdrop, अभी इस backdrop का मतलब इस backdrop के इस general view के against Wednesday, not Wednesday, ये Wednesday नहीं है, Wednesday, it's Wednesday's meeting. Wednesday के आगे apostrophes क्यों लगा है? बताओ जरा, grammar point है. Wednesday के पीछे apostrophes क्यों लगा है? क्योंकि time के लिए apostrophes आता है. वैसे तो मैं apostrophes living being के लिए लगाता हूँ, जो living being होते हैं. लेकिन टाइम वेंसडे तो लिविंग बिंग है नहीं. हाय आई एम वेंसडे ऐसे तो है नहीं, तो लेकिन वेंसडे टाइम होता है, टाइम के लिए यहाँ पर इसलिए अपोस्ट्रोफियस लगाते हैं. चलते चले जाओ, चीज़ें कुछ ऐसी इंटरेस्ट आते चला जाएगा आप लोगों को. वेंसडे इज मीटिंग बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड चाइनीज काउंटर पार्ट यांगी. चाइनीज का काउंटर पार्ट मतलब उसका वहाँ का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दुशांबी में ताजिकिस्तान की कैपिटल है. अस्यूम्स सिग्निफिकेंस. देयर लास्ट मीटिंग इन मॉस्को में हुआ था सितंबर 2020 में. Took place in the aftermath of the Galwan Valley clash. ना अब उसके बाद जब वो Galwan Valley का clash हुआ था आप लोगों का. And at a time of a tinderbox-like situation south of Pangong Lake with troops and artillery dangerously close to each other on the heights of the Kailash Range. है ना, heights हमने पकड़ रखी थी. अब वो भी उधर से वो artillery लेके आए थे, इधर से हम artillery लेके आ रहे थे. A political agreement then paved the way फॉर बोथ साइड टू डिसंगेज इन फरवरी. फरवरी में उन्होंने बोला कि चलो ठीक है भाई, इस फरवरी की बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि भाई आप लोगों को कोई ठीक है दोनों पार्टी आ जाएंगी. बट द अग्रीमेंट इन Galwan एंड Pangong Lake वेयर बोथ साइड्स हैव पुट इन प्लेस नो पेट्रोलिंग जोन्स. अब वो बता रहा है जो बफर जोन बोल रहा था ना, अब उसको डिक्लेयर किया है कि भाई ऐसा करो, देखो चलो ऐसा करो, हम वैसे था तो एरिया हमारा, लेकिन अब फिर भी जो विवेक कुमार सिंह बोल रहा है ना, ये था वो टाइम बेटा कि वो जो आप लोगों का जो एरिया था वो 18 किलोमीटर वाला, ठीक है, या उससे थोड़ा कम वाला होगा, दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नो पेट्रोलिंग जोन्स. मतलब ये ऐसा एरिया है ना, तो उनका रहा ना उनका रहा, फिर ऐसे एरिया का क्या चाटेंगे ये बताओ. जब एक ऐसा एरिया में वो पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, लेकिन चाइना भी नहीं कर सकता, तो क्या फ़ायदा बताओ. इससे अच्छा तो तू कर ले भाई, समझ में आया. तो फिर भी बट समहाउ वी हैव डिक्लेयर्ड दैट एरिया इज नो पेट्रोलिंग जोन. हमारा एरिया नो पेट्रोलिंग जोन हो गया. लॉस तो है ये इंडिया को. देखो एक गज की कीमत कितनी होगी वहाँ पे. कोई है किसी के पापा प्रॉपर्टी डीलर. हैव नॉट बीन फॉलोड बाई अदर डिस्प्यूट साइड लाइक डेपसोंग. अब वो तो चलो Galwan Valley का तो हो गया, Pangong का हो गया, ये डेपसोंग का जो है, ढेमचोक का है, घोगरा का है, हॉट स्प्रिंग का, ये चार जगह और भी तो आए हुए थे वो, है ना, छोटे छोटे चार चार फुटिए, वो डेढ़ फुटिए, वो वहाँ से तो गए नहीं. Will the Dushanbe meeting similarly break the impasse? क्या वो उसको इस impasse को break करेगा, deadlock को? The initial readouts from both sides do not inspire confidence. नहीं, confidence नहीं impact कर रहे. Jayashankar said the unresolved situation was visibly impacting the relationship in a negative manner. है ना, अब ये Jayashankar साहब के comment हैं ये. अब उस time पे देखो, एक साल पहले क्या बोल रहे थे, आज क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना. It is visibly impacting the relationship in a negative manner. And assessing the overall relationship, it was peace. जब भी आप लोगों को टेंशन हो ना घर में, आप लोगों को ये लगे यार क्या जिंदगी आ रही है, देखो मेरे लिए इतनी दिक्कत है, आप लोग इंडिया की जो मिनिस्ट्री है उसके बारे में सोच लिया करो कि यार उनके लिए भी तो ये प्रॉब्लम है, वो कैसे डील कर रहे होंगे, रात को नींद नहीं आती होगी भाई साहब, समझ में आया, ध्यान रखना इस बात का. तो the foundation of the development ties since 1988 when the post 1962 freeze ended, है ना, ठीक है ना. तो तब से लेके उनके रिलेशनशिप जो थे थोड़ा पीस थी 1988 से लेके, लेकिन अब नहीं लग रहा. मिस्टर वैंग डिड नॉट अपीयर टू द व्यू द बाउंड्री डिस्प्यूट विद द सेम सीरियसनेस. जितनी सीरियसनेस एस जयशंकर साहब ने दिखाई है, उतनी सीरियसनेस हम उसने नहीं दिखाई, छोटी छोटी आँखों वाले ने. इंस्टेड कॉलिंग इट टू बी कैप्ट इन एन अप्रोप्रिएट प्लेस वाइल एक्सपेंडिंग द पॉजिटिव मोमेंटम इन बायलेटरल कोऑपरेशन. ये वर्ड बड़े खतरनाक यूज करते हैं ये लोग ना, वी आर एक्सपेंडिंग द पॉजिटिव मोमेंटम इन बायलेटरल कोऑपरेशन. अबे कर तो रहा है तू, अपनी सेना हटा ले वहाँ से, हमें नहीं चाहिए तेरा कोऑपरेशन, समझ में आया. वी आर बोथ साइड्स डिड अग्री इज इन देयर असेसमेंट एज मिस्टर जयशंकर पुट इट अ प्रोलोंगेशन. ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है लड़का, ये कोट किया हुआ तो इसका मतलब एज इट इज उसके कमेंट लेके आया द हिंदू. अ प्रोलोंगेशन लंबा जो समय होता है ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन वॉज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इधर साइड. किसी का भला नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो मेन रीजन है वो ये यही चार चीज़ें बन जाए. नहीं,
द डिफरेंस फ्रॉम मॉस्को टू दुशांबे इज दैट चाइना. कई बार बात मुंह से बात निकली बात सच हो जाती है. सुबह सुबह वैसे बात कर रहे हैं. द डिफरेंस फ्रॉम मॉस्को टू दुशांबे इज दैट चाइना विच लास्ट ईयर वॉज इक्वली कंसर्न बा आफ्टर इंडियाज काउंटर डिप्लॉयमेंट. वो तो क्यों होगा, ये तो ये पागल है एक्चुअली. पता है क्या है, ये ना ये फिर इसके बहकाव में आ गए. ये जवाहरलाल नेहरू से लेके अब तक ये समझ नहीं पाए ये इतनी इसकी बदतमीजी को चाइना की. अबे तुम लोग यहाँ पे हो, मेरी बात सुनो. अच्छा देखो, नॉर्मल से नॉर्मल आदमी भी बेटा दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है. इनको पता है कि ये बदतमीज़ हैं, तो ये लोग क्यों उतर के आए यहाँ तक आ जाते. बोले तू भी जा, तू पहले अपने वहाँ भी ले जा, फिर जाएंगे, नहीं तो मत आते, पड़े रहते हैं यहाँ पे. ले अब कर लो, क्या करोगे उसका, अब वापस जाके दिखाओ तुम, वापस तो जा नहीं सकते अब, ठीक है ना. तो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग दैट नाउ अपीयर्स टू बी नो हरी टू रिस्टोर स्टेटस को एल्सवेयर. इंडिया हैविंग डिक्लेयर्ड दैट नॉर्मेलसी कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट डिसंगेजमेंट, उन्होंने ये बोल दिया. एंड डी एस्केलेशन एंड सिग्नल्ड दैट इट्स इंटेंट एंड विद मेशर्स इंक्लूडिंग स्क्रूटनी ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट. बायलैटरल ट्रेड है, राइट. However, it's still booming beyond pre-pandemic levels thanks to huge imports of medical supplies. अब दूसरी बात क्या है, देखो कितना खतरनाक काम हो रहा है हमारे साथ. हर बार यही बात आ जाती है ना भाई, हम उसके साथ ये बोलें कि उस रिलेशनशिप ख़राब नहीं कर रहे. क्यों, प्री पेंडेमिक टाइम से कहीं ज़्यादा हमने पेंडेमिक पीरियड में चाइना से इम्पोर्ट किया है. कैन यू इमेजिन, बायलैटरल ट्रेड जो है, अब देखो जरा वायरस कहाँ से आया, चाइना से. और हम लोगों को अपने देशवासियों को बचाने के लिए माल कहाँ से लेना पड़ा, चाइना से. इससे बड़ा मैं कहता हूँ कोई विरोधाभास कुछ हो सकता है क्या, इससे बड़ा कोई क्या बोलते हैं उसको पैराडॉक्स कुछ हो सकता है. आई डोंट थिंक सो. कि एक जगह से वायरस दे रहा है, दूसरी जगह से वायरस का सामान भी दे रहा है. कितनी बड़ी सोच होगी लोगों की, नहीं. आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट नाउ, अब आई थिंक इंटरेस्ट आ रहा होगा, है. तो मिस्टर वैंग ऑल्सो सैड दैट बीजिंग्स स्ट्रैटेजिक जजमेंट ऑन इंडो चाइना रिलेशंस रिमेन्स अनचेंज्ड. ये लो बताओ क्या करोगे. वेदर चाइनाज PLA हैज बीन ड्रैगिंग इट्स फीट ऑन नेगोशिएशन टू रिस्टोर द LAC स्टेटस को सिंस फेब्रुवरी शेयर्स दैट जजमेंट रिमेन्स टू बी सीन. है ना, वो स्टेटस को मेंटेन करेंगे कि नहीं करेंगे, वो आप लोगों को अभी देखना पड़ेगा. द ओनली वे फॉर बीजिंग टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट इज इंडीड द केस विल बी टू रिज्यूम नेगोशिएशन ऑन द LAC एट द अर्लीस्ट. वो प्लीज़ वो कुछ ना कुछ करे, बट आई डोंट थिंक सो दैट विल हैपन अनलेस ए फुल रेस्टोरेशन ऑफ पीस एंड अ डी एस्केलेशन ऑन द बॉर्डर्स हैपन. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए फुल रेस्टोरेशन ऑफ पीस, ये एक सब्जेक्ट हो गया. अनलेस अ फुल रेस्टोरेशन ऑफ पीस एंड अ डी एस्केलेशन, डी एस्केलेशन का मतलब हट जाना वहाँ से, ऑन द बॉर्डर्स. और ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया. जो दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं. जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो वो प्लूरल वर्ब लेते हैं, इसलिए हैपन यहाँ पे लिखा हुआ है. हैपन्स नहीं है ना, हैपन्ड है. अनलेस, हाउ ब्यूटीफुल द सेंटेंसेस, अनलेस अ फुल रेस्टोरेशन ऑफ पीस, रेस्टोरेशन ऑफ पीस मतलब शांति की स्थापना, एंड डी एस्केलेशन ऑफ बॉर्डर्स, और बॉर्डर को डी एस्केलेट कर दो यार. दो अपनी आर्मी तुमने लगा रखी 10,000 सोल्जर, उसको हटा दो. द रिलेशंस इन ऑल अदर स्फीयर्स विल रिमेन क्लॉक्ड इन डिस्ट्रस्ट. है ना, वो ऐसे ही फंसे रहेंगे अविश्वास में. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. ये ग्रोइंग प्रीकैरियट वाला देख लो कि 6% से अपर बाउंड चला गया है, ठीक है ना. इस बार का जो सेकेंड स्ट्रेट मंथ में जो है 6.26 रहा है जून में, और ये मई में कितना था, 6.3 था. तो थोड़ा सा कम गया है. मतलब ये देखो, ये आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं बैंक फी वाला, सुन लेना. 6.30% कब था, मई में था, और जून में कितना है अभी, 6.26%. थोड़ा सा नीचे गया लेकिन 6 से ऊपर है, है ना. इसलिए वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है, ठीक है ना. तो ये आप देख सकते हो. इसमें आप लोग ऑयल फैट हैं, अंडे हैं, पल्सिस हैं, फ्यूल इन्फ्लेशन है, ये 12% तक आपका, आप लोगों का जो है ये बढ़ गया है, ठीक है. तो ये कई ऐसे 4 मेजर मेट्रो सिटी ऐसे हैं जहाँ पर जो पेट्रोल एंड डीजल है वो आप पेट्रोल 100 पार कर चुका है, ठीक है ना, और डीजल जो है 94 हो चुका है. तो अब आप देख लो, स्कूटी थोड़ा कम चलाया करो, ठीक है. ठीक है, तो ये आप देख लो, मैंने इसको हल्का सा बता दिया और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना. इसलिए मैं ये चीज़ें लेके आता हूँ पहले, ताकि आप लोगों को करक सच्चे समझा दूँ. तो दो तीन बार मैं इसको एक बार आर्टिकल को डिस्कस कर लेता हूँ, पहले बर्ड आई व्यू में, फिर ऐसे, ठीक है ना. तो थोड़ा सा अच्छा आपको समझ में आएगा फिर ये, और पढ़ा करो इसको.
पढ़ने से ही काम होगा, मेरे अकेले से काम नहीं होगा, यू नो वेरी वेल ऑल दीज थिंग्स। आओ जरा इस चौधरी साहब को देख लेते हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं ये, है ना, इनको बोलूँगा अभी मैं। अभी जिंदल स्कूल में जो है ये एक जो क्रिमिनल डिपार्टमेंट है, क्या है डिपार्टमेंट का नाम देखूँ जरा एक बार, ये है आपका क्रिमिनल जस्टिस एंड पॉलिसिंग, जिंदल स्कूल जो है ना ये आपका ग्लोबल स्कूल में, वहाँ पे है ये हरियाणा में सोनीपत में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे प्रोफेसर लगे हुए हैं। तो अब बताओ, अब रिटायर होके भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो अच्छी बात है, और क्या हो सकती है, ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छा ही दे रहे हैं देश को। इट इज़ एन एक्सेप्टेड एक्सियम, एक्सियम मतलब ये एक नोशन बन चुका है, राइट। सर माई क्वेश्चन इज, कैन इसरो सेटेलाइट कैन नॉट ट्रैक द फोटोज ऑफ हिमालयन रीजन, वट विल द यूज ऑफ दैट, वट विल बी द यूज, वो तो पहले करना चाहिए था ना बेटा चिन्मय। अगर हमारे पास देखो ऐसी चीज़ तो नहीं है, आप तो यहाँ की बात कर रहे हो, आप लोगों को पता है जो गलवान वैली में दो वेन 20 सोल्जर्स दे गॉट ब्रूटली मर्डर्ड, राइट, मैं तो नहीं बोलूँगा मार्टिर, दे ब्रूटली मर्डर्ड, क्या हुआ, तो मार्टिर हैं देखो, उनको क्या किया गया, वहाँ से उन लोगों ने ड्रोन देख लिया, ड्रोन छोड़ दिया, यहाँ गुरु जी पता ही नहीं है, ठीक है, हम ड्रोन लेके नहीं चल रहे, कितनी उन्होंने देखो ना कितनी सोफिस्टिकेशन दिखाई, और ड्रोन ने सारे दिखा दिए कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं, आके ले लिए भुट्टे पासे में, ठीक है। तो हम भी तो ये काम कर सकते थे, हम भी बेच सकते थे, जब हम लोग पेट्रोलिंग पे जा रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है वो ऑर्डर किसने दिया होगा, ठीक है ना भाई, एक आप एक इतनी सेंसिटिव प्लेस है, रात के टाइम पे आपके पास सोफिस्टिकेशन नहीं है, ले रहे हो तुम अपना 20 जवानों को लेके चले गए हो, कोई मतलब बनता है ये, मुझे ये नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। तो आई डोंट नो, लेकिन हमारी याददाश्त भी तो बहुत कमज़ोर है ना चिन्मय, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है। लल आगे देखो जरा, सो इंडिया दैट द एग्जीक्यूटिव शैल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो है ही है भाई, पुलिस वालों को कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड बाय करना पड़ेगा, अबाइड हमेशा बाय के सेंस में यूज होता है, ध्यान रखिएगा। बाय द सेम लॉजिक ब्यूरोक्रेसी इज आंसरेबल टू लॉफुल इलेक्टेड गवर्नमेंट, राइट, ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी जो है वो आंसरेबल है। इट इज दिस अनअसेलेबल लीगल पोजिशन विच कीप्स ए चेक ऑन पुलिस कॉन्डक्ट इन ए डेमोक्रेटिक नेशन, ठीक है ना। चलिए, राइटिंग जस्ट आफ्टर ए मिनियापोलिस पुलिस ऑफिसर वॉज सेंटेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन जून 25 to 22.5 years, अरे ये तो 22.5 साल है, मुझे लगा 2.5 साल था, मैं पहले 2.5 साल बोला था आई थिंक, है ना, 22.5 years इन प्रिजन फॉर द हॉरिफिक मर्डर। नाउ दैट पुलिस ऑफिसर हु किल्ड दिस हेल्पलेस सिटीजन जॉर्ज फ्लॉयड, ही वॉज यू कैन से इम्प्रिजेंट फॉर 22.5 years, जून 25 को भी आ गया है, देख लो कितना जल्दी, यहाँ पे तो 3 साल तक तो यहाँ पे तो तारीख ही मिलती रहती है, 5 साल तक तो 10-10 साल में जाके तब तक आदमी मर लेता है, कैन यू इमेजिन नाउ, गॉट इट ना। और 2020 का इंसिडेंट है, मई 2020 का इंसिडेंट है, 21 में सज़ा मिल गई है, देख लो आप लोग खुद देख लो, राइट, ये होती है सिस्टम, ये होती है जुडिशरी। तो अब वो ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पे बात कहनी बहुत आसान है, अब हमारी पॉपुलेशन देखो, यूएसए की पॉपुलेशन देखो, समझ में आया, आपको ये लगता होगा जज पता नहीं क्या करते हैं, जाके जज को देखो, किसी दिन जाके जज को, गए हो किसी दिन, गए किसी कोर्ट में जाओ, जज को जाके देखो, ठीक है, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है, वो बोलते ना उसमें जोली एलएलबी में, इस कुर्सी पे ना बैठ के देखो आप, ना बाईपास सर्जरी हो जाए ना मेरा नाम बदल देना, इज एब्सोल्युटली राइट, दैट गाय वॉज एब्सोल्युटली राइट, राइट। सो दे शोड हिम डाइंग एज एन ऑफिसर वॉज नीलिंग यू कैन से ऑन हिज नेक, माई अनइजी फीलिंग इज दैट गवर्नमेंट एंड पब्लिक डिस्ट्रस्ट ऑफ द पुलिस विल फर्दर वाइडन, राइट, ये बात है, ऑब्वियस सी बात है, इवन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड लॉ अबाइडिंग पुलिस मैन विल हार्डली बी बिलीव्ड। अब इसमें वहाँ पर ये होगा कि लोग थोड़ा पुलिस पर कम विश्वास करेंगे, तो उस अगर कोई पुलिस ऑफिसर ईमानदार है और ह्यूमेन है तो उसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि नहीं भाई मैं ईमानदार हूँ, मैं आप लोगों के लिए हूँ, ठीक है ना। तो मिनियापोलिस जो कोर्ट है उसका वर्डिक्ट विल नो डाउट रिसीव सपोर्ट from everyone who believes in a system of checks and balances. My question, however, is whether happening of this kind in our own horrific episode, Santakulam, ये सत्तनकुलम तमिलनाडु का है कोई? In June 2020 का incident बता रहे हैं यहाँ पे author ये, ठीक है? और वो क्या है? जिसमें a 58-year-old father, 58 साल के एक पिताजी और उनका 31 साल का बेटा were subject to police brutality and died.
justify further curbs on the police authority. अभी can you imagine now? वहाँ पे तो एक मर्डर हुआ, यहाँ दो हो गए हैं, और ऐसे ऐसे तो न जाने कितने होते होंगे. आपको पता ही होगा, ये तो इंडिया है, ठीक है. I know well that I will be in the minority when I plead for at least a slightly kinder view of police conduct and more latitude to them in the standard operating procedure which they follow. मतलब अगर मैं बोलूँ कि जो SOP पुलिस को फॉलो करनी चाहिए, तो वो कोई मानेगा ही नहीं कि पुलिस जो है वो काइंडलर व्यू लेती होगी. पुलिस तो सबसे पहले तो थप्पड़ मारती है, फिर बात करती है. आजकल तो सिचुएशन वैसे काफ़ी चेंज हो गई है. टॉप कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है आर्टिकल को, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप बिल्कुल जुड़े रहिए मेरे साथ. इट इज़ इन दिस कंटेक्स्ट दैट आई साइट अ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑब्जर्वेशन दैट कोर्ट्स हैव नो अथॉरिटी टू डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू इन टर्न डायरेक्ट द अरेस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल कनेक्टेड विद द क्राइम. ये सुन लो जरा ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोल दिया है. गाइज सुन लो, आप लोगों का CDS का क्वेश्चन बन जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोल दिया है दैट कोर्ट्स दे हैव नो अथॉरिटी टू डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू इंटर्न डायरेक्ट द अरेस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल. समझ में आया, ये आप लोग नहीं कर सकते. और ये एक अच्छा और रोबस्ट जो है डिसीजन आया है, जो ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हैं. वरना क्या करते थे जो सबॉर्डिनेट जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, वो ये बोल देते थे कि ये अरेस्ट कर, उसको अरेस्ट कर, उसको अरेस्ट मत कर, उसको अरेस्ट कर. तो आई एम हैप्पी दैट द हाईएस्ट कोर्ट, आई एम हैप्पी मतलब राघवन सर हैप्पी हैं, आई एम हैप्पी दैट द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड हैज़ इंटरवीन्ड इन द मैटर. आई हैव कम अक्रॉस मैनी इंस्टेंसेज इन ऑफ कोर्ट्स बुलिंग पुलिस ऑफिसर आस्किंग वाई एक्स हैज़ बीन अरेस्टेड, वाई नॉट वाई. मतलब हु द हेल कोर्ट इज, कोर्ट क्यों ये बोल रहा है कि एक्स अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ. वो एविडेंस देखे, उसमें अगर उसको पता चले तो ठीक है, वो पुलिस की उसमें क्यों इंटरफेयर करते हैं. सो दैट एनीवन होल्ड अप बाय लॉ, ये बात बिल्कुल ठीक है भाई. हमारा एक इस पर हम बिलीव करते हैं दैट एनीवन होल्ड अप बाय लॉ शुड बी कंसिडर्ड इनोसेंट अनलेस प्रूव गिल्टी, है ना. एन अक्यूज्ड इज इनोसेंट अनलेस प्रूव गिल्टी, ऐसा बोला जाता है कि नहीं? नहीं बोला जाता. जब तक वो उसको गिल्टी प्रूव ना हो तब तक उसको इनोसेंट समझना चाहिए, ठीक है ना. तो ये आप लोगों को, अगर मैं बात करूं, इस तरह की जो डायरेक्शन आप दोगे पुलिस को अरेस्ट ड्यूरिंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, वो पुलिस के मोरल को बहुत हार्मफुल इफेक्ट करेंगे और फील्ड पुलिसिंग के लिए बहुत गलत इम्पैक्ट है. आपका CRPC जो है वो क्लियर कट बोल रहा है सर्च के लिए, अरेस्ट के लिए क्या क्या करना चाहिए. तो कोर्ट अगर कोई पुलिस ऑफिसर इसको फॉलो कर रहा है तो अच्छी बात है. तो कोर्ट इंटरफेरेंस, माइंड यू, इज नॉट एन इंटरवेंशन इन द डे टू डे इन्वेस्टिगेशन, इज नॉट ओनली अनडिजायरेबल बट इज ऑल्सो नॉट सेंक्शन्ड बाय लॉ. जो कोर्ट की जो इंटरफेरेंस है, आप लोग जाओगे कल को पुलिस में तो आप लोग अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, ठीक है. आप लोग इसके बारे में कोई लेटर, अब यही बात है इसलिए तो कह रहा हूँ पढ़ो लिखो. जब आप लोगों को अपने राइट्स का पता होगा तभी तो कुछ लिख पाओगे. लिख दो सुप्रीम कोर्ट को कोई कि भाई मैं, मेरे को जब आपने क्लियर कट रूल दिया हुआ है कि नबड़ी नो judicial official can intervene in my investigation, right? So आप इस बात को उसको अपने विचार रख सकते हो वहाँ पर, ठीक है ना. तो जो इसलिए वो आगे बता रहे हैं और देखो क्या कहना चाह रहे हैं. That court should remember that police are, देखो पुलिस के लिए हमेशा ये plural verb लगाते हैं, grammar आती है, a well-established hierarchy that is obligated to ensure objectivity during a criminal investigation. पुलिस के पास एक hierarchy बहुत होती है. सपोज किसी इंस्पेक्टर को IO बना रखा है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, तो वो DSP को प्रॉपर रिपोर्ट देगा, DSP जो वो SP को प्रॉपर रिपोर्ट देगा. समझ में आया ना. दो तीन ऑफिसर जरूर साथ में होते हैं एक केस के लिए, ऐसा नहीं है कि खाली वही अकेला काम कर रहा है. तो एटलीस्ट 2 इमीडिएट सीनियर ऑफिसर होते हैं उसके पास, राइट. इनमें आपको है, ये ड्यूटी बनती है आप लोगों की, उन ऑफिसर्स की, कि इसको हैंडल करें लॉफुली और इम्पार्शली. वो मतलब जो SP हैं या DSP हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में ना आ करके एक ऑनेस्ट उनको करना चाहिए. वो ऑब्वियसली बात है, जो सोचेगा समझेगा वही कर पाएगा. FIR इज मैंडेटरी. गाइज आप लोगों को अपने राइट पता होने चाहिए. एक 10 पैसे का कागज लगता है आपका, 10 पैसा कागज है ना, ये कोई कागज उठा लो. समझ में आया. रुको जरा मैं दिखाता हूँ. चिन्मय ने क्या किया, चिन्मय ने शिवांश को धमका दिया, धमकी दे दी, आज अगर मेरे पास 5,000 रुपये नहीं आए तो फिर तू जाने और तेरी लाइफ जाने. समझ में आया. 5,000 रुपये के लिए सिर्फ शिवांश को सिर्फ कुछ नहीं करना, ये कागज़ लेना, 10 पैसे का आता होगा, ये कागज़ लेना है, ठीक है. उसको लिख देना है
ठीक है ना, टू द SHO जो भी इसका पुलिस स्टेशन है, ये आदमी मुझे को ऐसे ऐसे धमकी दिया है, काम ख़त्म। अब मुझे बताओ, सिर्फ इस एक जो है, अगर मैं बात करूं इस एक 10 पैसे के कागज़ के लिए भी अगर आप ये काम नहीं कर सकते हो, तो फिर अब बताओ आप क्या कर सकते हैं। 5 तो कम मांगे सर। यार मैं थोड़ा सा लेवल के हिसाब से बोल रहा हूँ, सारे पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे ना, अभी स्टूडेंट हैं सारे, तो 5 बहुत है, ठीक है। तो ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ, FIR इज मैंडेटरी, तो इसलिए हमें एग्जीक्यूटिव को भी और कॉमन मैन को भी, कॉमन मैन मतलब ये आप जैसे सारे मेरे जैसे लोग, हमें एजुकेट करना पड़ेगा एक दूसरे को कि FIR इज मैंडेटरी। ये कोई चैरिटी नहीं है कि हाँ कंप्लेंट हो गया। इट इज़ मैंडेटरी दैट एवरी पुलिस स्टेशन इन द लैंड शुड रजिस्टर ए कंप्लेंट अंडर द रेलिवेंट सेक्शन ऑफ द स्टैच्यू। और अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, अब ये प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखो मैं LLB पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता चलेगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है, आई थिंक क्या होता है, व्हेन ए पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट यू विदाउट वारंट, उसको बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो आपने अगर कोई ऑफेंस कर रखा है और वो नॉन कॉग्निजेबल है, तो आप पुलिस को बोल सकते हो ये कॉग्निजेबल कहाँ है, वारंट ले गया चल भागे से, समझ में आया, बोल सकते हो। तो अगर वो कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, तो अगर कॉग्निजेबल है तो FIR जो है ना बहुत ज़रूरी है, राइट। और CRPC तो जो है वो भी ये बोल रहा है कि CRPC आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, राइट, कि एक डायरी आप बनाइए डिटेल की, जो केस डायरी होती है वो डायरी में आप लोग सारी चीज़ें लिखिए, अपने जो आप लोगों के फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को लिखिए, ताकि कल को आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। होल्डिंग अप अ मिरर, आई एम नॉट प्लीडिंग द कॉज ऑफ पुलिस ऑफिसर। अभी इतनी सारी बातें कहने के बाद ये कह रहा है कि मैं जो है कोई पुलिस का जो कॉज है वो प्लीड नहीं कर रहा हूँ। मैनी ऑफ हुम आर बर्डन विद द टास्क ऑफ अनरेवलिंग द ट्रूथ इन अ कॉम्प्लिकेटेड अकरेंस। आपने देखा होगा कई तरह की, इस तरह की मूवीज भी बनती हैं, कई बहुत ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर होते हैं, सारा दिन जान लगा देते हैं अपनी किसी केस को सुलझाने के लिए। आई ऑल्सो कंसीड एक्सेप्ट दैट देर आर मैनी डिसऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर। अब आप खुद देख लो आपको ऑनेस्ट बनना है कि डिसऑनेस्ट बनना है। एट ऑल लेवल्स हु वर्क ओवर टाइम टू सबोटाइज एन इन्वेस्टिगेशन विद ए व्यू टू लुक ओवर टू, हमेशा व्यू प्लस ING लेता है, देखो ग्रामर देखो तुम लड़केगी, विद ए व्यू टू सेविंग एन ऑफेंडर और आर वेटिंग टू प्लीज द रैंक आउटसाइडर फॉर मॉनेटरी कंसिडरेशन। समझ में आया? तो वो ये बता रहे हैं कि कहीं ऐसे भी हैं जो पैसे के लिए अपने दूसरे को खुश करने के लिए गलत काम भी करते हैं, ठीक है ना। तो हमें ऐसे आप अगर आप सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स को एक ही ब्रश से अगर आप लोग पेंट कर दोगे तो वो गलत नहीं है, ठीक है ना। तो सम अप, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, आई वुड प्लेस द ब्लेम फॉर ऑल इल्स एंड द अफेक्ट द पुलिस पर्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्क्वेयरली एट द डोर ऑफ मैनी सीनियर ऑफिसर्स हु आर वेटिंग टू बी ब्रो बीटन बाई आउटसाइडर्स और आर लुकिंग फॉर अनएथिकल एवेन्यूज टू एग्रेंडाइज देमसेल्स। बिल्कुल ठीक बात है कि वो जो मैं जो है, अगर मैं आपको बात बता दूँ, अगर जो सीनियर ऑफिसर है, अगर एक SP स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का सॉरी, अगर एक डिस्ट्रिक्ट का SP ईमानदार हो जाए ना, आई रिपीट माई क्वेश्चन स्टेटमेंट, अगर डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ SP ईमानदार हो जाए ना, मजाल नहीं है पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के उसके नीचे जो कोई रिश्वत ले ले, आप बताइए मैं गलत कह रहा हूँ तो, समझ में आया। और बेटे अगर कोई ईमानदार होता है ना, उससे तो, अगर कोई SP ईमानदार है उससे DIG भी डरता है, DSP तो कांपता है, DIG भी डरता है, समझ में आया, कि भाई ईमानदार है, समझ में आया। तो इसकी कीमत भी होती है, ऐसी बात नहीं है, ऐसे नहीं है, तो चीज़ें को कीमत चुकानी पड़ती है। ये लोग रहे हैं, ये ईमानदार रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने अगर कोई चीज़ें आई होंगी तो उन्होंने पूरा अपना ईमानदारी दिखाई होगी, ऑनेस्टी दिखाई होगी, राइट, इस सेंस में आप यूज़ कर सकते हो। तो जस्ट बिकॉज के कुछ सीनियर ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो जिनको डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, तो उनको अपने अनएथिकल एवेन्यूज़ हैं, वो अपने आप को देखो, मतलब यहाँ पर ये बात करना चाह रहा है कि वो सीनियर ऑफिसर रिश्वत लेते हैं। इतनी सी बात है लास्ट वाली लाइन में कि जो सीनियर ऑफिसर होते हैं वो रिश्वत लेते हैं, लेकिन बोलना देखो कैसे बोल रहा है, एट द डोर ऑफ मैनी सीनियर ऑफिसर्स हु आर वेटिंग टू बी ब्रो बीटन बाई आउटसाइडर्स और आर लुकिंग फॉर अनएथिकल एवेन्यू। मतलब अनएथिकल एवेन्यू मतलब कोई गलत मीन्स जो है, टू अग्रेंडाइज का मतलब बढ़ाना, अपने आप को बढ़ाने के लिए, मतलब अपने आप को अमीर बनाने के लिए वो अनएथिकल एवेन्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, मतलब रिश्वत लेते हैं, लेकिन ये नहीं बोला सीधा रिश्वत लेते हैं। अब समझ लो समझने वाला, तुम बोलते हो कि इंग्लिश बेकार है, इंग्लिश बेकार कैसे है,
है ना, यदि हु आर लुकिंग फॉर अनएथिकल एवेन्यूज टू एग्रेंडाइज, एग्रेंडाइज का मतलब बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना अपने आप को बढ़ाने के लिए। अपने आप को आदमी कैसे बढ़ाएगा, जब उसके पास पैसा बढ़ेगा, प्रॉपर्टी बढ़ेगी, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली किसी आईपीएस ऑफिसर के पास, तो वो क्या, उसने आपने एग्रेंडाइज किया उसने अपने आप को, ठीक है ना। ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। काफ़ी टाइम लगाया मैंने इसमें, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और ये इसको इस सेंस में ही आप लोगों को हमेशा लेना है, राइट, क्लियर है कि नहीं है, इसी सेंस में आपको लेना है। और आइए दोबारा फिर कुछ एक और पॉइंट है, आप ज़्यादा तो नहीं हो गया काम आपका आज का, बताइए ज़रा मुझे, ठीक है। तो ये ग्रामर पॉइंट कुछ देख लो, आओ ज़रा अच्छे से डिस्कस करता हूँ, एक बार सारे बच्चे बता देंगे, कम ऑन यार जल्दी से बताइए सारे बच्चे, दैट ओके सर, यू डिड यू लाइक द सेशन और नॉट। तो प्रेप विदाउट जो होता है, विदाउट वो एक प्रेपो का भी यूज़ करते हैं और एक एडवर्ब का भी यूज़ करते हैं। विदाउट क्या होता है, एक प्रेपो भी यूज़ होता है और एक एडवर्ब भी यूज़ होता है। प्रेपो कैसे, मीनिंग क्या होता है प्रेपोजिशन में, नॉट हैविंग और डूइंग समथिंग, मतलब विदाउट का मतलब नॉट हैविंग समथिंग, दैट इज विदाउट। जैसे जैसे क्या, यू लुक नाइस विदाउट मेकअप, ये मेकअप मत पोथ के आया करो, ठीक है ना, यू लुक नाइस विदाउट मेकअप, समझ में आया। ही वेंट विदाउट माई नॉलेज, या मेरी नॉलेज में नहीं है, वो अपने आप ही चला गया कहीं पे, ही वेंट विदाउट माई नॉलेज, गॉट इट ना, ऐसे। तो ये विदाउट यहाँ पे जो बेटे यूज हो रखा है, दैट इज यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन, गॉट इट, दैट इज यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन, गॉट इट ना, क्लियर हुआ। आइए जरा मैं थोड़ा मेन कोर्स बताता हूँ आपको। एक होता है गो विदाउट, अब ये गो जो क्या होता है, गो क्या है सर, गो होता है वर्ब, गो वेंट गोन। यहाँ पे जो ये विदाउट है, ये एक एडवर्ब की सेंस में यूज हो रखा है, एडवर्ब, गो विदाउट। कैसे, टू नॉट हैव समथिंग, इसका मीनिंग क्या है, टू नॉट हैव समथिंग। इफ यू डोंट वांट फिश, अगर तू मच्छी नहीं खाएगा फॉर डिनर, देन यू विल जस्ट हैव टू गो विदाउट, तो कुछ नहीं मिलेगा, समझ में आया। अरे सुन लो, इफ यू डोंट वांट फिश फॉर डिनर, देन यू विल हैव टू जस्ट गो विदाउट, फिर कुछ नहीं मिलेगा, खाना है तो मच्छी का, नहीं तो नहीं। आज तो चोल बन रहे हैं, चोल, यू नो अंडरस्टैंड दैट राइस इन हरियाणा, वी कॉल इट चोल। सो इफ यू खाना है तो खा, नहीं तो नहीं। इफ यू डोंट वांट फिश फॉर डिनर, इफ यू डोंट वांट राइस फॉर डिनर, देन यू हैव टू गो विदाउट, गो विदाउट। नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द व्हाई द ऑथर मिस्टर आर के राघवन यूज्ड द हेडिंग गो विदाउट, डू विदाउट, यस और नो। आगे देखो जरा, एक डू विदाउट होता है, टू मैनेज विदाउट हैविंग समथिंग, टू मैनेज करना विदाउट हैविंग समथिंग, ध्यान से देखो, टू मैनेज विदाउट हैविंग समथिंग क्या है ये, देर इज नो वाइन लेफ्ट। यार ऐसा है यार, कोई आपसे बोले, याद है ना वो एक बंदर है चिंपैंजी टाइप में, वो कान में आके बोलता है, एक बोतल का जुगाड़ जुगा के, यू नो आया ना एक मीम बना हुआ था ऐसा, that during COVID-19 time when all the liquor shops they were closed, so that chimpanzee whispers right in the ear of that of a person that can you manage one bottle of wine for me, in Haryanvi he does that, right? So there is no wine left, I am afraid you have to do without, you have to do without, to manage karna padega bhai. Ab aapko samajh mein aa raha hoga कि ये डू जो है विदाउट के बाद अगर लगा है, अगर विदाउट डू के बाद लगा है, तो यहाँ पे विदाउट जो क्या है, वो एक एडवर्ब के सेंस में यूज हो रहा है, गॉट इट ना। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, तो अब जरा मैं वापस चलूँगा, रुको जरा, कुछ ना कुछ बताना तो पड़ेगा ना भाई, रुको जरा, ध्यान से देखो, जस्ट ए मोमेंट, ये देखो जरा, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे देखो, वो कह रहा है इंटरफेरेंस एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन डू विदाउट, अब समझ में आया, कैन डू विदाउट कि भाई किसी भी कोई जो भी कोई पुलिस वाला है, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, आप उसके काम में दखल अंदाजी मत करो, इसके बिना भी काम चल जाएगा, जैसे वाइन के बिना काम चल जाएगा, फिश के बिना काम चल जाएगा, इट कैन डू विदाउट। अब मुझे बताइए, क्या मैं आप लोगों को ये हेडिंग समझाने में सफल हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ? अब पूरे YouTube छान मारना अगर कहीं पे तो डू विदाउट का मीनिंग मिल जाए, तो चैलेंज करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को आज, ठीक है। इट कंज्यूम्ड माई 15 मिनट्स, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव गिवन
an accurate apt explanation to my lovely friends. That's it. This is only my way. This is only my motto. Satish, Chinmay, Nishant, Shivan, Shruti, Rekha, Komal. Got it, na? Deepak. Ye hai bas. Aur kuch bhi nahi hai. I hope now you got my point. So you must, if you understand it, use it in your common parlance, right? Use it, understand it, learn the words, learn the vocabulary, enjoy yourself, right? So agar aapko session pasand aaya ho, to aap log session ko like kar sakte hain. Thank you so much. Take care. Bye-bye. Jai Hind. Love you.